टिकट मिलते ही यादवेंद्र सिंह ने मंदिर और दरगाह पर माथा टेका। टीकमगढ़ विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के चुनाव के चलते टीकमगढ़ विधानसभा से पूर्व मंत्री कांग्रेस शासन यादवेंद्र सिंह का टिकट फाइनल होते ही कांग्रेस समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। टिकट फाइनल होते ही यादवेंद्र सिंह मुंदेला टीकमगढ़ शहर के नजरबाग राम राजा मंदिर पहुंचे, जहां पर दरगाह पहुंचकर उनके द्वारा प्रार्थना की गई। इस दौरान उनके साथ काफी संख्या में कांग्रेस समर्थक व कार्यकर्ता मौजूद रहे। यादवेंद्र सिंह को टिकट मिलने से वह काफी उत्साहित नजर आए हैं। तो दसान डाइवर्सिटी का पानी मिलना चाहिए, टिकट भी बनना चाहिए, और दूसरा जिले में कुछ ध्यान रखना चाहिए, जिससे दो महत्वपूर्ण बातें हैं। बाकी इस जिले में चाहे कॉलेज की सुविधा हो, चाहे लॉ कॉलेज की सुविधा हो, चाहे गर्ल्स कॉलेज की सुविधा हो, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो, पहले ही जो है कांग्रेस के शासन में सब कुछ हो चुका है। एक उद्योग की कमी है, पहले ये बहाना लिया जाता था कि रेल नहीं है, रेल आ गई तो उद्योग आना जरूरी है। उद्योग अगर आ जाएगा तो यहाँ की बेरोजगारों को काम मिलेगा, और दसन डाइवर्सन का पानी अगर मिल जाएगा हमें ककरवा कबीर के माध्यम से, तो 40,000 हेक्टेयर जमीन जो है सिंचित होगी। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और वो दोनों बातें जो है टीकमगढ़ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। हमारा प्रयास है, भाजपा लोगों में पैसे बांट कर अपना काम करा रहे, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का गिविन से एक उबाला मामला है कि वो चुनाव में जो है उनके जो उम्मीदवार आते हैं वो पैसा टका खर्च करके जीत जाते हैं, और पाँच साल के बाद वो उन्हें चलता कर देते हैं। आप पिछले 82 में हम उपचुनाव लड़े थे, 82 से लगातार आप देख लें, पहले चुनाव में मंगललाल गोयल जी लड़े, दूसरे चुनाव में जो है बेबी राजा लड़े, तीसरे चुनाव में फिर गोयल जी लड़े, फिर अखंड प्रताप सिंह लड़े, फिर उमा भारती लड़ी, फिर के श्रीवास्तव लड़े, फिर जो है राकेश गिरी लड़े। तो ये हर 5 साल में उम्मीदवार बदल देते हैं, जैसे कोई जगह उधारी ले लेता है ना आदमी, तो अपनी सिम बदलता रहता है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र है कि वो जो है अपने पुराने आदमी को उखाड़ के फेंक देते हैं और नया चेहरा ले आते हैं। नया चेहरा हमारी पार्टी ने पिछले जो चुनाव हमने गिनाए हैं तब से जो है हमारे ऊपर भरोसा किया है, हमारे परिवार के ऊपर। अगर हमारे ऊपर कोई आरोप होता भ्रष्टाचार का आरोप होता, चोरी का आरोप होता, जमीन खरीदी का आरोप होता, या किसी को तंग करने का आरोप होता, या संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप होता, तो द्वारा हमारी पार्टी हमारे ऊपर विश्वास नहीं करती। लेकिन हमारी पार्टी हमारे ऊपर विश्वास कर रही है, उनकी पार्टी 5 साल में बदल देती है, तो केवल वो उनका उपयोग करना जानती है, उसके बाद में जो घी में कीड़ा होता है उसकी तरफ फेंक देती है।